नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से और आप देख रहे हैं चैनल मुसाफिर मन। दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे हरियाणा के बर्ड्स पैराडाइज सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में। आज की वीडियो में आपके लिए ढेर सारा खजाना मिलेगा क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ सुल्तानपुर में आए हुए विभिन्न प्रवासी पक्षियों को देखेंगे बल्कि उनके बारे में आपको खूब जानकारी भी मिलेगी। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो प्लीज़ अंत में लाइक करना ना भूलें। अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री गेट पर बनी टिकट खिड़की से ₹15 की एंट्री टिकट लेनी होगी। यहाँ पर गाड़ियों की अच्छी खासी पार्किंग की जगह है और साथ में ही बाथरूम, पीने के पानी की भी अच्छी खासी सुविधा है। साथ में ही यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी है जो अभी आपने देखी, जहाँ से आप कुछ छोटा छोटा सामान ले सकते हैं, जैसे कुछ की चेन हो गई और इसी तरह से बर्ड सेंचुरी से जुड़ी हुई कुछ अन्य यादगार चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि यदि आप पक्षी प्रेमी हैं और किसी बर्ड सेंचुरी में जाकर पक्षी विहार का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आपको पहुंच जाना है, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। इस बर्ड सेंचुरी में एक दिन में सिर्फ 500 लोग ही मैक्सिमम यहां पर जा सकते हैं और इसका ओपनिंग टाइम सुबह 7 बजे है और क्लोजिंग टाइम शाम के 4:30 बजे तक का है। एंट्री गेट पर बना हुआ ये एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे काम की जानकारी दी गई है और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी बर्ड सेंचुरी के अंदर जाते हैं तो अंदर जाने से पहले ये इंटरप्रिटेशन सेंटर के अंदर एक बार ज़रूर जाएं, इसमें आपको बहुत सारे काम की जानकारियाँ मिलेंगी। कुछ झलकियाँ इसकी अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखो सामान्य दर्जीन, ठीक है, और ये इधर है, कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर सामान्य दर्जीन। तो इसको स्विच को जब दबाएंगे, इसको यहाँ ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, मतलब इसमें लाइट जलेगी और इसकी आवाज उधर आएगी तो पता लगता है कि इस जानवर की आवाज कैसी है। दोस्तों ये फ्लेमिंगो है और इसकी फोटो यहाँ पर दिखाई हुई है, साथ में इसके यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। ये स्विच दबाने से क्या होता है ये हम आपको मैप में बताते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है और ये इसका ट्रेवल रूट है, यहाँ
यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो लाइट जलेगी यहाँ पर, अभी हम आपको जला के दिखाएंगे, ये सुल्तानपुर है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। तो ये फ्लेमिंगो कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आता है, मैं इस लाइट को दबाऊंगा, आप देखना इधर से, ये यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना, सबसे लंबी दूरी ये बर्ड तय करता है। सबसे ज़्यादा दूरी से ये बर्ड आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, चाइना, ये इसका रूट है। और फिर ये सुल्तानपुर आता है सर्दियों में, ये आप देखो ध्यान से, ये इसका पूरा रूट इसमें समझाया गया है ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये कहाँ कहाँ से इसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ये सब दिए गए हैं, सर्दियों में यहाँ पर आते हैं, तो अभी नवंबर एंड में यहाँ पर आना स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद दिसंबर और जनवरी के आखिर में यहाँ से वापस अपने रास्ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब काम की जानकारी लेने के बाद अब हम अंदर चलते हैं बर्ड सेंचुरी में, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी और खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते ये तो ये गाड़ी ले सकते हैं, इसमें एक टिकट 50 रुपये का है और आप पूरी गाड़ी भी मात्र 200 रुपये में बुक कर सकते हैं। ये सारी बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं जो आपको पूरी सेंचुरी में अच्छे से घुमाएंगी।